डियर स्टूडेंट, कोर्स नंबर GPB 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ, हम इसमें ब्रीडिंग मेथड्स फॉर सीसेम पढ़ेंगे आज। सो लेट अस स्टार्ट ब्रीडिंग मेथड्स ऑफ सीसेम। प्रिय छात्रों, जब हम ब्रीडिंग मेथड्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में ये आना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में हम ब्रीडिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं उसका नेचर ऑफ पोलिनेशन क्या है, उसी के आधार पे ब्रीडिंग मेथड्स डिसाइड होते हैं। तो एज वी नो कि तिल ऑलमोस्ट सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं, तो जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं ब्रॉडली कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज, ब्रीडिंग मेथड्स फॉर सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स एंड अनदर वन इज ब्रीडिंग मेथड्स फॉर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। तो बेसिकली जो बेसिक थीम है तिल के लिए वो फर्स्ट वाली जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं वे इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, नई वैरायटल डेवलपमेंट के लिए, नई किस्मों के विकास के लिए, उन्नत किस्मों के विकास के लिए, जो स्वपरागित फसलों में पादप प्रजनन की विधियाँ हैं वो इसमें तिल में एग्जैक्टली एप्लीकेबल हैं। तो इनको हम दो तरीके से हम इनको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एक तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स, जो परंपरागत पादप प्रजनन की विधियां हैं, जो प्राय राइट फ्रॉम ब्रीडिंग स्टार्ट्स जहाँ से होती है वहाँ से लेकर के अभी तक करते आ रहे हैं और वो बेस है ब्रीडिंग का, नई वैरायटी डेवलपमेंट का, क्रॉप इम्प्रूवमेंट का, फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, वो बेस है। और दूसरे नॉन कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स, जैसे जिनमें विशेष रूप से टिश्यू कल्चर और इससे संबंधित जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनके आधार पर जो जीन मैनिपुलेशन या क्रोमोजोमल मैनिपुलेशन करके इम्प्रूवमेंट पर्टिकुलर करेक्टर में किया जाता है, वो नॉन कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स में आते हैं। तो सबसे पहले कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड में इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तिल बहुत प्राचीन फसल है, बहुत एंशियंट क्रॉप है तिल, और एशियन और अफ्रीका जो कंटिनेंट हैं इनमें ये बहुत पहले से उगाई और बोई जाती है, खेती की जाती है। तो इसमें जो भी प्राइमरी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको हम अपने जर्मप्लाज्म कलेक्शन में शामिल करें, तो यही इंट्रोडक्शन है। दो प्रकार का इंट्रोडक्शन होता है एज वी नो, प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन में जो हम जेनेटिक मटेरियल लाए, जो जीनोटाइप लाए एज इट इज़, उसको हम ब्रीडिंग के लिए किसानों को उपलब्ध करा देते हैं। और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में हम उसमें कुछ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करके या उसमें क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन करके विद लोकल कल्टीवर से, और फिर वो वातावरण के अनुकूल बना करके वैरायटी डेवलपमेंट करके फिर फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है। नंबर टू सेलेक्शन, बहुत इम्पोर्टेंट है सेलेक्शन। सभी क्रॉप्स में सेलेक्शन से ही ब्रीडिंग स्टार्ट होती है। तो दो प्रकार के सेलेक्शन मेथड्स, मास सेलेक्शन और प्योर लाइन सेलेक्शन। अब चूंकि ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है इसलिए नेचुरल है, इसमें प्योर लाइन सेलेक्शन ही ज़्यादा एप्लीकेबल है। इसी प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन भी दोनों प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, इंटर वेराइटल और इंटर स्पेसिफिक। तो चूंकि जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं सीसेमम के, उनसे बहुत सारे करेक्टर्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं कल्टिवेटेड कल्टीवर्स में, तो वो इंटर वेराइटल और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे चार मेथड हैं, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, SSD और बैक क्रॉस मेथड। इसमें भी मेनली हम पेडिग्री मेथड को ही इसमें वेराइटल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बैक क्रॉस मेथड को हम कुछ डिजीज रेजिस्टेंट वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें तिल के पर्पज से, तिल के लिहाज से
म्यूटेशन ब्रीडिंग बहुत ही सक्सेसफुल भी है कई मायनों में. सो म्यूटेशन ब्रीडिंग हैज बीन सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग जेनरिक लाइन्स विद डिटर्मिनेट हैबिट कंबाइनिंग द हाई यील्ड ट्रेट विद द सेमी इंडेहिसेंट ट्रेट कुड प्रूव एडवांटेजेस फॉर डेवलपिंग ए मशीन हार्वेस्टेड सीजन क्रॉप. तो यानी जो इसके मेन जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सब की पूर्ति करते हुए और म्यूटेशन ब्रीडिंग का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी वैरायटीज डेवलप की गई हैं. अब इसी प्रकार से जैसे नॉन कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, इसमें हम मेनली इन विट्रो कल्चर टेक्निक्स है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है, जेनेटिक मैनिपुलेशन है और MAS असिस्टेड सेलेक्शन है. तो इस प्रकार से इसमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स बहुत हम इस्तेमाल करते हैं. और पुनः एक बार ये ध्यान रखने वाली बात है कि क्रॉप का नेचर ऑफ पोलिनेशन ये डिसाइड करेगा कि कौन से ब्रीडिंग मेथड्स को हम अप्लाई करने वाले हैं इस क्रॉप के विकास के लिए, नई किस्मों के विकास के लिए. थैंक यू.